नमस्कार दोस्तों, वायरस पैंडेमिक के चलते हम सभी लॉकडाउन में रह रहे हैं। आपके व्यवसाय, नौकरी पर या पढ़ाई पर भी काफ़ी असर पड़ा होगा। याद रखिए, जान है तो जहान है। पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है, पर हम सबको इस लॉकडाउन में खाली नहीं बैठना है। घर पर ही सही नए नए व्यवसाय के बारे में या तो पढ़ना है, या फिर हमें पूरी स्ट्रेटजी बना लेनी है कि अपने व्यवसाय को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं आज नेचर से जुड़े एक नए व्यवसाय के बारे में आपको बताने वाला हूँ। नेचर में बर्ड वॉचिंग करना किसे पसंद नहीं है? गार्डन में या घर के आंगन में चिड़ियों का चहचहाना सभी को अच्छा लगता है। खुले आसमान में उड़ने वाले ये नन्हे पंछी अगर आप यहाँ फुर से उड़कर आ जाएं, तो इन्हें ना सिर्फ देखना अच्छा लगता है, बल्कि ये बहुत अच्छा टाइम पास भी है। चिड़ियों का आपके घर आंगन में आना बहुत आसान हो जाता है अगर आपके यहाँ बर्ड फीडर या बर्ड वाटर डिस्पेंसर लगा हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं बर्ड फीडर और बर्ड वाटर डिस्पेंसर का बिज़नेस भी किया जा सकता है? जी हाँ, ये एक ऐसा बिज़नेस है जिससे आप खुशियों को बांट सकते हैं। नन्हे पक्षियों को दाना खिलाना या पानी पिलाना हमारे भारतवर्ष में पुण्य का काम समझा जाता है। अभी गर्मियाँ आ रही हैं, तो इन बर्ड फीडर और बर्ड वाटर फीडर की डिमांड भी काफ़ी बढ़ने वाली है। इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं, मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिज़नेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। बर्ड फीडर और बर्ड वाटर फीडर कई तरह के होते हैं। ये प्लास्टिक के, मेटल के या लकड़ी के बनाए जा सकते हैं। अलग तरह तरह के बर्ड फीडर अलग अलग तरह की बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं। पहले इन बर्ड फीडर्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद हम फिर बिज़नेस की बात करते हैं। सामान्य तौर पर जो बर्ड फीडर होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। पोल माउंटेड बर्ड फीडर, हैंगिंग फीडर्स, ट्रे फीडर्स, स्वेट फीडर्स और स्पेशल फीडर्स। इसके अलावा आप बर्ड हाउस, बर्ड वाच्स और स्क्विरल फीडर का भी बिज़नेस कर सकते हैं। अगर हम पोस्ट या पोल माउंटेड फीडर्स की बात करें, तो आप पवेलियन बर्ड फीडर, सेंचुरी बर्ड फीडर, सुपर फीडर, वेलेविस्टा बर्ड फीडर, बार्न फीडर की मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। हैंगिंग फीडर में लिटिल हट फीडर, पिवट रूप फीडर, फीडर विद स्वेट, टाइनी टावर फीडर, हैंगिंग बार्न फीडर, फ्लाई थ्रू बार्न फीडर का बिज़नेस आप कर सकते हैं। ट्रे फीडर्स की अगर हम बात करें, तो आप हैंगिंग ट्रे, क्लियर कवर ट्रे, व्हील बैरो ग्राउंड फीडर ट्रे, ड्रैग ट्रे, पॉली ग्राउंड फीडर, अम्ब्रेला सीट कवर की मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप ये जो बर्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो या तो खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, नहीं तो डिज़ाइन कीजिए और प्लास्टिक आइटम बनाने वाली कोई भी फैक्ट्री है, वो आपके लिए डाई कास्ट करके बल्क में इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती है। अगर आपके प्रोडक्ट्स वुड के हैं, तो आप कारपेंटर हायर कर सकते हैं या उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर बनवा सकते हैं। अगर हम मेटल फीडर्स की बात करें, तो उसको ठीक उसी तरह काम करने होगा जैसे कोई बर्तन उद्योग या जो फाउंड्रीज करती हैं, या मुरादाबाद की जो पीतल के बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री है। तो लेकिन इसके अलावा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहते हैं और सिर्फ सेल करना चाहते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, उनसे आप बल्क में प्रोडक्ट खरीद लीजिए और फिर उसको आप सेल कर दीजिए। इसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बिज़नेस करने के लिए आप पूंजी खुद की लगा सकते हैं, चाहे तो पार्टनरशिप में बिज़नेस कर सकते हैं या फिर लोन लेकर आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो लेकिन प्रीफर यही करिए कि अगर आप लोन लेकर कर रहे हैं, तो सरकारी बैंक से कम इंटरेस्ट पर लोन लेकर बिज़नेस करें, नहीं तो लोन लेकर बिज़नेस करना रिस्की हो जाता है। अपनी पूंजी से ही करें, चाहे छोटे स्तर पर करें, और जैसे जैसे ऑर्डर आएँ, आप अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाते रहें। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कुछ लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है, जो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इनके बारे में आप किसी भी सीए साहब से बात कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद की मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, तो पहले अपना पोर्टफोलियो छोटा ही रखिए, और सफलता मिलने के साथ साथ आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी रेंज बढ़ाते जाइए। तो किसी भी बिज़नेस को करने के लिए आपको अभी जो मौजूदा सरकार का नियम है, उसके हिसाब से GST की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ हज़ार रुपये में आपको सीए साहब दे देते हैं,
और फिर मंथली रिटर्न्स आपको फाइल करने होते हैं। अगर आप अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो इस बिज़नेस को बड़े स्केल पे आपको करना है तो कुछ लाइसेंस की और ज़रूरत होगी, पर मैं तो कहूँगा अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म में ही आप इसको करें। और क्योंकि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं, इनके माध्यम से प्रोडक्ट बेचना आप बहुत आसान है। आप जो भी बिज़नेस करें पहले खूब रिसर्च कर लें, मार्केट का अध्ययन कर लें, और बेहतर तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले वाइट लेबल प्रोडक्ट्स बना के आप प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें। एक बार आपको बाज़ार मिल गया तो फिर आप अपने बिज़नेस को जमाने के लिए आप खुद का प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, बड़े लेवल पे कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस छोटा है और आप बिज़नेस कम पूंजी में कर रहे हैं तो कोशिश करें कि खुद से ही ये व्यवसाय करें और ज़रूरत पड़ने पर ही एम्प्लॉइज़ को रखें, जिससे आपकी कॉस्ट कम होगी। ये प्रोडक्ट्स आप पेट शॉप के थ्रू बेच सकते हैं, डायरेक्ट अपने आउटलेट में सेल कर सकते हैं या ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। आजकल एफिलिएट मार्केटिंग से आप अपने प्रोडक्ट्स को बड़ी आसानी से सेल कर सकते हैं, थोड़ा कमीशन देना होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से आप प्रोडक्ट जो है कस्टमर के यहाँ कूरियर के थ्रू पहुँचा सकते हैं। कूरियर सर्विस बड़ी आसान है, आप उनसे टाई अप कर लीजिए, वो आपके घर से आके प्रोडक्ट ले जाएंगे और काफ़ी कम रेट पर ही वो कस्टमर के यहाँ आपका कूरियर पहुँचा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ नीचे से जुड़े व्यवसाय का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए कि ये इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि अगला ट्यूटोरियल वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊं। पेंडेमिक में आप घर पर रहिए, लॉकडाउन में रहिए, सुरक्षित रहिए, जान है तो जहान है। तो नई स्टोरी के साथ मैं आपको फिर जल्द मिलता हूँ, तब तक आप अपना अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।